भी कहा जा रहा है कि मुट्ठी भर किसान है, चंद किसान आंदोलन की भी है। आज यहाँ पर जो हजूम देखने को मिल रहा है, बहुत लाखों की तादाद में यहाँ लोग पहुँचे हुए, क्या कहेंगे? आज दिखाई दिया कुछ, मीडिया के माध्यम से सरकार देखेगी कि मुट्ठी भर किसान आज मुजफ्फरनगर में है। नेट बंद कर दिया गया, बसें बंद कर दी गई, ट्रेनें बंद कर दी गई, तो ये है किसान का डर। आज बंद कर दी, कल तो एक्स्ट्रा बसें चल रही थी ना आपके लिए, आज ही तो बंद की है। आंदोलन आज है या कल था? तो कल से किसान आना स्टार्ट हो गए, कल से बसें एक्स्ट्रा चली थी। कल तो दूर का हरियाणा, चेन्नई से हमारे किसान आ रहे थे, चेन्नई से, जो ट्रेनें रास्ते में रोक दी गई है। जहाँ एक तरफ किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जा रहा था, आज देख ले सरकार के खालिस्तानी खड़ा है, सरकारी तालिबान को ललकार रहा है। तो इस महापंचायत में तमाम लोग, सुबह से कहा जा रहा है कि रास्ते में बहुत सारे लोग रुके पड़े हैं और रोका गया, क्या कहेंगे उनके लिए? ये सरकार का कोई अड़ियल रवैया है? करने दो, जितना अड़ियल होगा उतना ही ये वाला वो मजबूत होगा। ये है हिंदू मुस्लिम सिख का भाईचारे का संदेश, मुजफ्फरनगर की धरा से पूरे देश को दे रहा है अरिंदर ताऊ। जहाँ एक तरफ कहा जा रहा था जो महापंचायत हो रही है, जो किसान आंदोलन है, वो सिखों को और जाटों का, लेकिन यहाँ देखने में कुछ और आ रहा है। देखिए, ये 36 बिरादरी है, ये सिख खड़ा है, ये हिंदू खड़ा है, ये मुस्लिम खड़े है। और बता दू, उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री कान खोल के सुन ले और देख ले कि यहाँ गुज्जर समाज के भी लंगर लगे हुए हैं। तो यहाँ ऐसा कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिसके लंगर ना लग रहे हो। जी जी, मीडिया तो अभी भी कह रहे हैं कि टूल किट गैंग के लोग हैं। आप लोग टूल किट गैंग के लोग हैं, अभी भी जी मीडिया कह रही है। यो क्या हो, टूल किट गैंग? देखो वो फंडिंग वाले, उनको बता देना कि सरकार बदलेगी और कहा जाएगा उसका मालिक सुभाष चंद्रा, और कहा जाएंगे उनके चैनल हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देंगे। फंडिंग से चल रहा है ये मामला? हाँ, फंडिंग से तो है ही। अरे इसने दिए, इसने दिए, इसने दिए, तो किसान तो चंदा करता है। तुम चंदे को फंडिंग समझो या क्या समझो, हमें कोई पता नहीं। तो क्या लगता है, जैसे बात हो रही है आज सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की, क्या कहेंगे उसके लिए, किस तरह देखते हैं? देखिए, आज व्यवस्था परिवर्तन की नींव रख दी गई है। 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। तो क्या महापंचायतें फैसला करेंगी कि 2022 के चुनाव में क्या होगा? महापंचायतें नींव रखेंगी, फैसला किसान करेगा। तब ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस पंचायत से नहीं कुछ हुआ तो और भी इससे भी बड़ी पंचायत करने का निर्णय लेंगे। देखिए, ये तो एक टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। 18 महापंचायतें अभी उत्तर प्रदेश में होगी, हर कमिश्नरी में 2 महापंचायतें उत्तराखंड में होगी, फिर 75 जिलों में होंगी, फिर 403 विधानसभा में होंगी, और फिर किसान गांव गांव जाएगा। जो हरियाणा में टेलर दिखाया था कट्टर सरकार ने, उसका क्या करोगे? उसी का ये जवाब देने आया। धक्का मत मारो भाई, धक्का मत। और परसों उसका भी जवाब देंगे, और वही देंगे हरियाणा में। जैसे 8 तारीख की तय करी गई है, राकेश चटनू साहब ने कहा था कि 8 तारीख को अगर कोई निर्णय सही नहीं आया तो फिर हम बड़ा करेंगे कुछ और। बिल्कुल होगा, क्योंकि किसान अब जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुका है। ना सरकारों से डरेगा, ना प्रशासन से डरेगा, अब उनको डरना पड़ेगा। टिकैत जी तो कहते हैं कि आर पार की लड़ाई होगी, तो क्या आर पार की लड़ाई होगी? आज देखते जाओ, आज किसान है, आज महापंचायत है, और महापंचायत का निर्णय आप देखते रहेंगे। तो एक और ऐलान हो रहा है इस पंचायत के साथ साथ, 25 तारीख को आप लोग भारत बंद करेंगे, बताइए जरा उसके लिए। बिल्कुल होगा, जो महापंचायत का आदेश होगा सारे भारत का किसान मजदूर उस पे अमल करेगा। तो किस तरह यह किसान
कितनी बार भारत बंद करेंगे आप? जब तक सरकारें नहीं बदल देंगे तब तक, जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे तब तक, जब तक MSP पर कानून नहीं बन जाता तब तक करके आम लोगों को तब तक परेशान करेंगे। क्या सरकारों से पूछते हो ये करते हैं? तो जिस तरह से किसान आंदोलन आज एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है, ये बाकी किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली से लेके और मुजफ्फरनगर तक इस बात को हमने कवरेज किया, लगातार दिखाया है। और आज फिर वही हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़, इसमें हर मजहब, जाति, धर्म, किसान, मजदूर, छात्र, तमाम लोग आए हुए हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? आज इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज इसमें युवा ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्से लिया। और जब जब युवा खड़ा हुआ है, सत्ता परिवर्तन करके रुका है, वो पुराना इतिहास देख लो। जिस तरह से ये मुजफ्फरनगर की धरती से सरकार का आगाज हुआ था, आज फिर मुजफ्फरनगर की धरती पर पंचायत है, क्या होगा आज? आज सत्ता का पतन लिख दिया गया है इसी मुजफ्फरनगर की धरती से। वो जो आप बार बार कहते थे कि 5 सितंबर सरकार हिल जाएगी, आज उसकी जड़ें हिल जाएंगी, क्या कह रहे हो, हिलेंगी आज? ये हिली नहीं है, नेट बंद है, बसें बंद कर दी, ट्रेनें बंद कर दी, ये तो मजबूरी है सरकार की। क्या सरकार की मजबूरी? क्या सरकार की अपनी मजबूरी? क्या मजबूरी है? अगर दुनिया देखती लाइव, अब सब वीडियो बनाएंगे बाद में डालेंगे, तो ये भी तो आपको सुविधा भी तो सरकार ने दी है सारी। क्या पंचायत करने के लिए सारी सुविधा? हमने क्या, हम क्यों लेते सुविधा? क्या दी है सारा खर्चा हमारा, तो सरकार की क्या सुविधा? पानी के जो टैंकर है, पानी दे दिया, शौचालय दे दिया, पानी पानी तो दिया है, सुरक्षा दी है, सुरक्षा दी है, पानी दी है, और भी चीजें दी है सरकार ने। ये सरकार का काम है? हाँ, तो ये तो नहीं कह सकते ना, सरकार ने नहीं दिया, सरकार ने आपको यहाँ पंचायत करने के लिए इजाजत दी है। अरे जब किसान आता है, अगर हम अपना भोजन ला सकते हैं तो हम अपना पानी भी ला सकते थे। ऐसा एहसान सरकार हमारे ऊपर ना करे। देखो प्रॉब्लम सरकार के बाप का है, ये हमारे टैक्स के पैसे का है। अंत में ये बताओ कि सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की बात लगातार चल रही है कल से यहाँ पर, किस तरह की व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन को देख रहे हैं आप, बताएंगे? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन वो होगा, किसान की बात करने वाला मुख्यमंत्री बनेगा, किसान युवाओं को रोजगार की बात करने वाला मुख्यमंत्री बनेगा, महिलाओं की सुरक्षा वाला मुख्यमंत्री बनेगा, और ऐसा ही प्रधानमंत्री बनेगा। ताऊ यूपी में यात्राओं का बड़ा जोर है, तिरंगा यात्रा, विकास यात्रा, तमाम यात्राएं चल रही हैं। अभी योगी आशीर्वाद यात्रा है, योगी जी की विकास यात्रा की बात करी जाए, योगी जी ने विकास यात्रा में अपनी सारी उपलब्धियां गिनाई हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं? ये उपलब्धि का एक फल है जो किसान सड़कों पे पड़ा है, गन्ने का पेमेंट, बिजली का बिल, आलू का किसान, ये बेरोजगार, ये महिलाओं पर अत्याचार, ये सब का हिसाब आज हम लिख देंगे। जो गन्ना किसान के रेट बढ़ाए उसका कभी जिक्र नहीं किया, एक बार भी आपने, कि गन्ना किसान खुश है बढ़ाने से। कितना बढ़ाया? तो जो 5 रुपए बढ़ाए थे, तो 5 रुपए वो गौशाला के नाम के नहीं कटते क्या सर? उससे आप क्यों नहीं उसको बताते हो? भाई उससे हम जो है वहाँ पे कनॉट प्लेस पे कोठी खरीदेंगे और एक हवाई जहाज खरीदेंगे, 4 छल्लों वाली गाड़ी खरीदेंगे और जेवर एयरपोर्ट के पास गाड़ी इस पैसे को रखेंगे कहाँ? इतना तुम्हारा गाड़ी चलाने आती है, ड्राइवर रखेंगे, सरकार की तरह बात करने लगे आजकल आप। स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, वो तो पहले ही खुलवा, क्योंकि भारत में नहीं रखेंगे, वरना कोई विजय वाली या नीरव मोदी लेकर भाग जाएगा, वहीं जमा करोगे दोबारा। मतलब आपको 15 लाख मिले हैं सरकार के? नहीं, 5 रुपए बढ़े हैं, इससे मालदार है। आज महापंचायत होगी, इस महापंचायत में आज नया ऐसा क्या देखने को मिलेगा? अभी 1 घंटा रुको, तुम्हारे सामने ऐलान होगा। महापंचायत में यूपी चुनाव और 3 कानूनों पे, दोनों पे बात चर्चा होगी? आज सब बात होगी, क्योंकि महापंचायत को हमने अपना मुकदमा दे दिया है, अब फैसला उसे करना है, और जो फैसला होगा हमें मान्य होगा। भानु तो अभी भी नाराज है आपसे, ऐसे आनु भानु कितने गए कितने आए, वो तो अभी भी नाराज है। कुत्तों का काम भोंकना और किसानों का काम चलना। आपने तो काम को मना लेंगे, हम मना नहीं पाए। हम किसी को मनाते नहीं, अपने किसान को मनाते हैं।
किसान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और जिस तरह से आंकड़ा लगाया जा रहा था 15 लाख का, क्या लगता है कितनी है संख्या होगी? आज सरकार गिल ने मुजफ्फरनगर 20-20 किलोमीटर जाम हो चुका है, तो कितनी जनता, हम तो अनपढ़ आदमी, हम पे तो गिनती आती ना।